सो गाइस, तो इस वीडियो में हम अपने कालिनिक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने विंडो पर, ठीक है। चाहे आपके विंडो 7 हो या 10 हो या 11 हो, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आपके कुछ कंसर्न होंगे। पहला कंसर्न यही होगा कि हमारी विंडो क्रैश तो नहीं करेगी या हमारी विंडो की वारंटी है वो तो ख़त्म नहीं होगी। तो देखो, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है, ठीक है। जब चाहो जब इसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ना तो ये क्रैश करती है आपकी विंडो और ना इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। एंड सेकेंड थिंग्स ये है कि यहाँ पर क्या ये स्मूथ चलता है, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आती कि लैग करेगा, हम विंडो पे कर रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ चलता है, ठीक है। बहुत स्मूथ चलता है, कोई भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। यहाँ पर देख सकते हो, कितनी भी कम अगर आपके उसमें 4GB रैम भी है ना, तब भी आप इसे स्मूथ चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसे स्टार्ट करते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। लाइक पहली रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपके पास 5GB डेटा होना चाहिए। एंड सेकेंड ये कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें, यहाँ पर आप कोई सी भी हार्ड डिस्क ले सकते हो, सी ड्राइव ले सकते हो, डी ड्राइव ले सकते हो या ई ड्राइव में कर सकते हो इसे। तो उसमें आपकी 20GB होनी चाहिए, मिनिमम 20GB स्पेस होनी चाहिए। तो आप इसमें कर लोगे, ठीक है, सक्सेसफुल कर लोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एंड यहाँ पर हम लेटेस्ट करेंगे 17/24 का जो लेटेस्ट इंस्टॉलेशन है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर टाइप करना कंट्रोल पैनल। तो कुछ यहाँ पर चेक करेंगे आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। तो कंट्रोल पैनल पाने के बाद आपको आना प्रोग्राम्स एंड फ्यूचर में। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ठीक है। इस तरीके से टूल्स फॉर एप्लीकेशन, ये आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो आपको एक एरर आएगी वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हुए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए। और किसा आप किस तरीके से करोगे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप कर लेना, एक मिनट की वीडियो, वहाँ से अगर आपके में नहीं है तो आप वहाँ पर कर लेना। तो जस्ट इसे आपने आपके सिस्टम में ये होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप इसे कर लोगे और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सेकेंड थिंग्स, आपको आना एक चीज़ और चेक करनी है आपको, यहाँ पर आना सेटिंग्स करना, ठीक है, कि आपके सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो क्या 32-bit है या 64-bit है। अक्सर लोगों की यहीं पर गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो सिस्टम में आना, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम में। एंड आने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट नीचे आते रहना, अबाउट माना, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना, जैसे मेरा सिस्टम का टाइप क्या 64 है, तो आपका जो होगा वो कर लेना, ठीक है। जैसे मेरा 64 है तो ज़्यादातर लोगों का 64 ही होता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर अगर चेक कर लेना कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा है, 64 है या 32-bit है। तो मेरा 64 है। तो जस्ट यहाँ पर करने के बाद आप हमें यहाँ पर आपको अपना ब्राउज ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके। तो यहाँ पर आना है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। और फॉर विंडो हम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये इसका ऑफिशियल साइट है, आपको इसे ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपको करना है विंडो होस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना, ऐसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका और 106 MB का है, ठीक है। जस्ट 17 सेकंड में इंस्टॉल आएगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और जाके इसे इंस्टॉल करते हैं। तो हो चुका है, इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे और पहले चीज़ यहाँ पर डाउनलोड वाले में वर्चुअल बॉक्स को इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, इस तरीके का आपको आइकन दिखेगा। तो अगर आपका ये होगा वा नहीं होगा ना, लाइक जैसे मैंने बताया था आपको विजुअल स्टूडियो नहीं होगा ना, तो आपको एरर कौन सी आएगी, ठीक है। मैं इस तरीके से कर देता हूँ, आपको इस तरह की एरर आएगी, ठीक है, अगर आप इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आपका इंस्टॉल हुआ नहीं होगा तो, ठीक है, तो आपको इस तरह की एरर आएगी। तो जैसे जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पे, एंड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसका ये प्रोग्राम वो है कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाके सेव होगा, ठीक है। तो इसे चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रहने देंगे। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना और यस पे आपको क्लिक कर देना और यस पे आपको क्लिक कर देना एंड इंस्टॉल कर लेना, इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना। तो इंस्टॉल हो चुका, फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे इंस्टॉल होगा तो आपका एक यहाँ पर आइकन भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, डेस्कटॉप पे। और ओपन भी हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आइकन आएगा और इसे आपको ओपन भी करना है, ठीक है। तो इससे पहले आप इसे ओपन करो, आपको एक चीज़ और डाउनलोड करनी है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आना है, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर करना है काले लिनक्स लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये इसकी काले लिनक्स की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप चले जाओगे। जैसे जाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। ये है हमारा इंस्टॉलर और ये है वर्चुअल मशीन। तो हमें इंस्टॉलर इमेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लेकर आएगा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था ना आपको 64-bit 32-bit, तो अगर आप पे 32-bit है, 32-bit वाला आपको इंस्टॉलर करना है यहाँ से, ठीक है, ये वाला करना है, ये वाला आपको, ठीक है, ये वाला करना है। और 64-bit है तो आपको ये वाला करना है, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो गाइज यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका। तो जस्ट इसे पॉज कर देते, मैंने कर लिया, ठीक है। 3.9 GB का, आई थिंक 4 GB का ये, तो आपके 4 GB का ये यहाँ पर, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ।
मैंने इसे कर लिया, आप इसे करना ठीक है। यही हमारा जो कार्लिनक्स का इंस्टॉलर है ठीक है, 32 बिट वाले ये वाला करना ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका हो जाएगा। तो इसे करने के बाद जस्ट आपको करना क्या है ठीक है, मैं यहाँ से काट देता हूँ इसे भी। तो हम अपने वर्चुअल बॉक्स में यहाँ पर चलते हैं, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, ये जो हमारा ब्लू कलर का सर्कल है ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना लिनक्स। जैसे आप लिनक्स करोगे तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली लिनक्स ही आ जाएगा। ये फोल्डर है ठीक है, जहाँ पर हमारा कार्लिनक्स का जो सेटअप होगा वो जाकर सेव होगा ठीक है। तकरीबन ये आपके 20 GB लेगा ठीक है, 12 GB में इंस्टॉलेशन हो जाती है, 8 GB आपको बच जाती है। तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम देनी है वो 20 GB देनी है ठीक है। और जस्ट मैं इसे यहाँ पर करूँगा क्योंकि मेरे जो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ। मेरा जो ड्राइव है ना, सी ड्राइव में स्पेस कम है और डी ड्राइव में स्पेस ज़्यादा है, तो मैं डी ड्राइव में करूँगा। आप कोई सी ड्राइव में कर सकते हो, आपको आपको ऐसा इसमें कोई इशू नहीं होता ठीक है। मैं इसे करूँगा लिनक्स और डी ड्राइव में करूँगा इसे, लाइक जैसे यहाँ पर आते हैं। अदर्स में करोगे आप तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपका ड्राइव है, ऐसा लोकल सी होगा, डी होगा, ई होगा, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसा डी में करूँगा। तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ न्यू करके, काले लिनक्स इंस्टॉलेशन नाम से कर लेते हैं। और इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डी ड्राइव के अंदर कार्लिनक्स इंस्टॉलेशन आ चुका है ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि नॉट सिलेक्टेड, तो यहाँ पर आपको ISO इमेज सेलेक्ट करनी है, जो हमने यहाँ पर डाउनलोड किया था ठीक है, जो हमने वो 4 GB का डाउनलोड किया था ठीक है, वो वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आऊँ मैं ठीक है, डाउनलोड में मैंने कर रखा वो ये है ठीक है, ये है यहाँ पर ठीक है, ये है वो। तो ये आपको करना है जो आपका 4 GB का डाउनलोड होगा, जस्ट इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं डाउनलोड में जाऊंगा और करने के बाद ये यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरीके से, आपको इसे ओपन कर देना है यहाँ पर। तो सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर ये ठीक है। करने के बाद जैसे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे में 8 GB है ठीक है, तो मैं इसे आधा एलोकेट कर दूंगा, 4 GB से एलोकेट कर दूंगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है प्रोसेसर यानी कि कोर, आप इसे कितने कोर दोगे, तो ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आपके सिस्टम में 2 कोर हैं तो आप इसे 1 कोर एलोकेट करोगे, अगर आपको सिस्टम में ज़्यादा कोर है तो वो एलोकेट को कैसे पता चलेगा आपके सिस्टम में कितने कोर हैं। तो जस्ट यहाँ पर आपको आना है ठीक है, यहाँ पर आना है, सर्च करना है टास्क ठीक है, टास्क मैनेजर इसे ओपन कर लेना है। करने के बाद जस्ट यहाँ पर आना है ठीक है, ठीक है परफॉर्मेंस में आना है। और जैसे परफॉर्मेंस में आप आओगे तो यहाँ पर दिखेगा आपका कोर ठीक है, मेरे में 2 कोर हैं तो मैं इसे 1 एलोकेट करूँगा, आपके में अगर 4 हैं तो 2 करोगे, 2 हैं तो 1 करोगे ठीक है। तो जस्ट मैं इसे 1 कोर एलोकेट करूँगा, बाई डिफॉल्ट इसमें 1 ही होता है ठीक है, 1 कोर इसमें बाई डिफॉल्ट एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पार्ट जो है वो यही है ठीक है, आपके सिस्टम में ये से कम आप मिनिमम 20 GB स्पेस देनी है। अगर आप यहाँ पर कम दे दोगे ना तो आप में ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी, ये आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे एरर दे देगा। तो यहाँ पर मैं इसे 30 GB एलोकेट करूँगा ठीक है, क्योंकि मेरी डी ड्राइव में ज़्यादा है, आप कम से कम मिनिमम 20 GB देनी है, 20 GB ठीक है, उससे कम नहीं दे सकते आप इसमें ठीक है। तो मैंने इसमें 30 GB कर दिया एलोकेट, और मैं 32 ही कर देता हूँ ठीक है इसे आई थिंक, तो मैंने इसमें एलोकेट कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो पूरा हमारा सेटअप बनकर आ चुका है, इसने ISO इमेज भी यहाँ पर हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पर हमारा पूरा इस तरीके देख सकते हो फॉल्स ठीक है। बेस्ट मेमोरी है हमारी 4 GB, हमने कुछ कम 4 GB से कम दी है हमने, प्रोसेसर यानी कि हमारा जो कोर है वो 1 दिया इसे। तो इस तरीके से आप करोगे, फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर हमारा बन चुका सेटअप। इसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो रिस्टोरिंग द मशीन ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। एंड आपको ग्राफिक इंस्टॉल होगा ठीक है, तो आपको इंटर पे क्लिक करना है। तो जस्ट मैं इस तरीके से कर देते हैं इसको ठीक है, इसे फुल इस पर ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, चूज योर लैंग्वेज टू यूज फॉर इंटीग्रेशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहा है कि हमें लैंग्वेज चूज करनी है, तो इंग्लिश ही रहने देंगे क्योंकि इंग्लिश में हमें इंस्टॉलेशन करनी है, तो इंग्लिश ही रहने देना आपको इसमें। जस्ट इसमें कह रहा है कि कंट्री एंड टेरिटरी एरिया, तो इंडिया यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप कंट्री को ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, कंट्री पर क्लिक कर देना। यहाँ पर कह रहा है कि जो की मैप है ठीक है, कीबोर्ड जो होता है कीबोर्ड, उसका जो की मैप होता है वो कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, तो अमेरिकन ही रहने देंगे ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश। सो यहाँ पर कॉन्फ़िग डिटेक्टिंग लिंक और एड्रेस, तो कुछ टाइम ही लगा है, तकरीबन 2-3 मिनट ले रहा है आई थिंक यहाँ पर। और
ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको होस्ट नाम लिखना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये काली दे रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग होस्ट नाम रख सकते हो। जैसे मैं रख देता हूँ डार्क नेट, ठीक है, इस तरीके से रख देते हैं डार्क नेट एक तरह का, या कुछ और चेंज करते हैं यार। मैं कुछ अच्छा सा नाम रखता हूँ, जैसे मुझे रखना है यहाँ पर, ठीक है, कर देते हैं हैकर, ठीक हैकर रख लेना आप। और एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, अगर आप इसे कैपिटल में दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देगा स्मॉल में। तो अगर आप यहाँ पर कैपिटल में दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लॉग इन करोगे आगे जाकर तो वो आपको स्मॉल में डालना है, इसमें कैपिटल में नहीं ये लेता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हमेशा लोअर में कर देता है। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना, ये डोमेन करा इसे खाली छोड़ देना, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल नाम रखना, तो मैं इबोई डालना आपको, ठीक है, हैकर इस तरीके से कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना और कह रहा यूज़र फॉर अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर पासवर्ड डन बनाना आपको, तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिससे आप जब कॉलिंग्स को लॉगिन करोगे तो वो यहाँ पर यूज़ होगा पासवर्ड, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, ठीक है, और जिसकी इंस्टॉलेशन में यहाँ पर हमारी डिटेक्ट हो रही है डिस्क। तो यहाँ पर यूज़ इंटायर डिस्क पर आपको क्लिक करना, इसी पर रहने देना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर 35 GB जो हमारी डिस्क हमने इसे अलोकेट करी थी वो इसने सिलेक्ट कर ली यहाँ पर, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर लेता है, 35 GB हमने इसे दी थी, 35 GB, तो यहाँ पर इसने सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पर आपकी डिस्क कम है, ठीक है, तो आपको इंस्टॉलेशन का टाइम पर आ जाएगी, और आपने ज़्यादा अलोकेट कर दी है और आपकी डिस्क, आपकी जो मेमोरी है उसकी स्पेस कम है, तो वहाँ पर आपको एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसने 35 GB कर लिया ऑटोमेटिकली, और इतनी हमारे उसमें है, ठीक है, हमने 35 ही इसे दी थी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन पे रहने देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना, तो सो गाइस आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है इस तरीके से, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट ये लेगा, ठीक है, 5 मिनट लेगा या 10 मिनट लेगा यहाँ पर। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ये आपके 5 मिनट के करीब लेगा। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये गाइस आपका कम से कम 15 मिनट 20 मिनट और आधा घंटा या 40 मिनट भी ले सकता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है और चाय वो पियाना आपको, ठीक है, अगर आपको चाय पी कराना है तो ये कम से कम आपका 15 से 20 मिनट या आधा घंटा 40 मिनट भी ले सकता है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 20 से 25 मिनट तो ये मिनिमम लेगा, ठीक है, यहाँ पर इसका, क्योंकि पैकेज जितने भी हैं वो रिट्रीव हो रहे हैं फाइल्स यहाँ पर, तो ये कुछ टाइम लेगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर इसने आधा घंटा लिया है, ठीक है, 30 मिनट से ऊपर लिए, 35 मिनट के करीब इसने लिए। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, जैसे आपको कंटिन्यू इस पर यस पे रहने देना है, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो मेरे तो इतने 35 मिनट लिए। तो यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करना नीचे वाले को, ठीक है, और जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो गाइज यहाँ पर ये कम से कम आपका 10 से 12 मिनट और लेगा, ठीक है, यहाँ पर फिनिश दी इंस्टॉलेशन पे, ठीक है, तो आपको वेट करना है यहाँ। तो यहाँ पर हो चुका है, ठीक, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है, सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अभी से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको एंटर करना है, ठीक है। तो आपका कॉलिंग्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा कॉलिंग्स फाइनली हो चुका है इंस्टॉल। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको लॉगिन पेज आएगा, ठीक है। लॉगिन पेज में आपको वो डालना है, जैसे मैंने हैकर बनाया था, पहले तो था यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम में आपको डालना है वो जो आपने बनाया होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इंटर यूज़र नेम। तो जैसे मैंने हैकर बनाया था वो, और जहाँ पर हमने पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो मैंने ये पासवर्ड वहाँ पर बनाया था इंस्टॉलेशन के टाइम पर। तो जस्ट लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से। तो फाइनली हमारा यहाँ पर कॉलिंग्स इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये इतने छोटे में आ रहा है, इसे किस तरीके से करोगे आप, लाइक आपको ऐसे करना है, ठीक है, तो आपको कम्प्लीटली आ जाएगा इस तरीके से। और अगर आपको इसे स्टॉप करना है, ठीक है, इस तरीके से आप इसका टर्मिनल ही यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो, लैग बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, बहुत ही आप फास्टली यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आप रूटेड में करोगे ना तो उसमें अलग बात होती है, लेकिन इसमें आपको लैग बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि इसे लैग करेगा। एक प्रॉब्लम होती है इसमें, इसका आईपी एड्रेस आप नहीं दे सकते, उसके लिए आपको इसे ब्रिज करना पड़ेगा अगर कॉन्फ़िग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाएगा 10.10.10.0.10, जबकि इसका रियल आईपी एड्रेस नहीं, तो आपको इसे ब्रिज करना पड़ेगा। तो वो मैंने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कैसे आप इसका रियल आईपी एड्रेस को ब्रिज करोगे, तो उस तरीके से आप कर लोगे। यहाँ से इसे अगर आपको स्टॉप करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर दिया गया लॉग आउट, रिस्टार्ट, शट डाउन,
ठीक है, और सस्पेंड हाइबरनेट हाइब्रिड स्लीप एंड स्विच यूजर, शट डाउन कर दोगे यहाँ से, तो इस तरीके से शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो जस्ट आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर आओगे वर्चुअल बॉक्स, इसमें ओपन करोगे, करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दोगे, स्टार्ट हो जाएगा ये, जस्ट इतना करना और आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और एंटर करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉगिन कर लोगे और कनेक्ट हो जाओगे। तो आप यहाँ पर, जैसे मैं लॉगिन करूँ एंड एंड यहाँ पर हम डालते हैं पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो, ठीक है, लॉगिन और यूजर नेम या पासवर्ड आप भूल चुके हो, आपने, आपको पता नहीं कि आपने क्या डाला, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पर आप ये पता कर सकते हो कि आपका यूजर नेम क्या था और आपका पासवर्ड क्या था, या आप पासवर्ड दोबारा से क्रिएट भी कर सकते हो। तो लॉगिन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप विंडो पे यूज़ करो या वैसे यूज़ करो, बिल्कुल सी सेम होता, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतनी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें रिप्लाई जरूर दूंगा, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।